नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564503096906089745235 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जितने भी वीडियोज हो चुके हैं प्लीज उनको देख लीजिएगा, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को फंसाकर खा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर कार्निवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, स्पेशली वाइल्ड टाइप के प्लांट्स होते हैं, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं, ऐसी सॉइल में जो कि डेफिशिएंट है किसमें, नाइट्रोजन में। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं कि कुछ कीट जो होते हैं ना इंसेक्ट्स, उनको ये एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, अब इन कीटों में कौन हो सकते हैं, तो स्पेशली जैसे आर्थ्रोपोडास हो गए, ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह हो गए, ठीक है, तो इनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वही आपसे पूछा जा रहा था, तो ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ये उगते हैं और उसी की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। अगला है कि पित्त रस यानी कि बाइल जूस, ठीक है, किसके मतलब यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक, तो यहाँ पे पहले तो ये देख लीजिए कि इसकी क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो बाइल जूस सिक्रीट होता है लीवर से और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब ये मुख्य रूप से निम्न में से किसके टूटने में मदद करता है यानी कि उसको ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम जो कंज्यूम करते हैं ना फैट्स हमारे बॉडी में, तो फैट्स को जो है ब्रेक डाउन करता है हमारा बाइल जूस। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय यानी कि सेंट्रल थीम जो है वो क्या था, तो यहाँ से बी ऑप्शन हम जो है इसको चूज करेंगे, एजाइल अप्रोच या फिर त्वरित दृष्टिकोण जो है हमारा 2021-22 यानी कि जो सबसे लेटेस्ट वाला हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसका थीम था। अगला देखिए, राबिया उद दौरानी इसकी स्मृति में निर्मित बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो बीबी का मकबरा बनवाया गया था कहाँ पर, औरंगाबाद में, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, आजम शाह के द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, आप ये चीज़ बताइए कि राबिया दुर्रानी जो है ये कौन थी। चलिए अगला देखेंगे कि क्रिप्टोगैमे जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक, तो क्रिप्टोगैमे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कि फूल नहीं लगते हैं ना, गैर फूल वाले पौधे, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है, ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं उनका उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है, तो इन्वर्टिब्रेट एग्जाम्पल बताने से पहले आपको ये बताएं कि ये होता क्या है इन्वर्टिब्रेट। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं होती है ना, मेरुदंड जिसमें जैसे मनुष्य में होता है ना, तो ऐसे इनमें नहीं होता है, इनफैक्ट इनमें कोई भी किसी भी प्रकार की हड्डी या बोन जो है वो नहीं पाई जाती है। ठीक, तो अब इन दिए हुए ऑप्शंस में से देखेंगे तो कहाँ ऐसा नहीं मिलेगा, केचुआ और लीचेज यानी कि जो जोंक होते हैं इनमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स, तो बी ऑप्शन जो है इसको चूज कर लेंगे। अगला देखिए, प्राचीन संगम युग के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है यानी कि सही नहीं है। ठीक है, तो साउदर्न इंडिया के बारे में आप संगम लिटरेचर है ना, संगम डायनेस्टी के बारे में ऐसे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में जो है सती प्रथा का प्रचलन जो है लिखा है कि नहीं था, परंतु ये गलत है। यहाँ पे भी जो है सती प्रथा जो पतियों के मृत्यु के बाद महिलाएँ जो है सती हो जाती थी, ठीक, तो ये प्रथा भी इसमें प्रचलित है, तो हम इसको जो है इसका सही उत्तर चूज करेंगे, बाकी के जो हमारे स्टेटमेंट हैं बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, अगला देखिए, पोर्टो नोवा के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट हमारे पास है, पहला लिखा है यह मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य 1781 में लड़ा गया। ठीक है, तो लड़ा तो गया था 1781 में ही, परंतु ये मराठों के बीच में नहीं था, ये जो है किंगडम ऑफ मैसूर जो था इसके मध्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है लड़ा गया था। ठीक है, दूसरा है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट ने किया था, तो ये वाला ठीक है, तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा जो है वो सही है।
अगला देखिए, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राज्य पक्षी कालिज तीतर है ना, इसको घोषित किया है। ठीक है, तो इंग्लिश में फीजेंट बोलते हैं इसको, कालिज फीजेंट नाम है इसका, और यहाँ पे हिमालयन फुट हिल्स में ये पाई जाती है, स्पेशली इधर जो जम्मू कश्मीर का जो यूटी है इसने वैसे इसको अडॉप्ट किया है, यही इसका उत्तर है। इसके अलावा पाकिस्तान और थाईलैंड वगैरह के रीजन में जो है ये चिड़िया पाई जाती है। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में कैसर ए हिंद नामक तितली को किस राज्य सरकार ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो स्टेट बटरफ्लाई के रूप में घोषित किया गया है कैसर ए हिंद को, स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगला है, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कौन सा है जिसको लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में उत्पादित होने वाले जो कीवी के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो इनको अभी जो है इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट का जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, और इसको लॉन्च किया था जो है अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू जो हैं उनके द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा इंडियन स्टेट है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्टेट बन गया है, किसके लिए? कीवी के लिए। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नामदा शिल्प, ठीक है, इसको नाम को देख लीजिए, इसको पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पायलट योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो एक क्राफ्ट की जो है टाइप है नामदा, ठीक, जो कि कहाँ की जाती है? जम्मू कश्मीर के रीजन में। तो जो है अब इसको दोबारा से जो है रिजरेक्ट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे शुरू किया गया है, तो क्राफ्ट का नाम ध्यान दीजिएगा नामदा नाम है। भारतीय सेना के द्वारा किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? ठीक है, तो अभी हमने शायद आपको पिछले वीडियोस में भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिकेशन के लिए आजकल काफ़ी यूज़ की जा रही है, तो उसी क्रम में एक क्वांटम लैब इस्टेब्लिश किया गया है, एक मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन है इसका, इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है, एक स्थल है मऊ जो कि कहाँ है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर इसको बनाया मतलब स्थापित किया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित पुरोहितों में से किसका कार्य यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करना था? ठीक है, तो वैदिक टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये सभी जो हैं पुरोहित के प्रकार हैं। ठीक, तो इनमें से जो ब्रह्मा पुरोहित होते थे, इनका कार्य होता था कि जो यज्ञ है ना, उसका जो संपादन किया जा रहा है तो उसको निरीक्षण करना इनका काम होता था, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वेद त्रयी कौन से हैं? ठीक है, तो चार वेद हम जैसे मेजरली पढ़ते हैं, तो इनमें से तीन जो वेद हैं उनको कलेक्टिवली वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें शामिल हैं सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। ठीक है, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी से अर्थ ये है, हिंदी में इसको समझते हैं कि तीन गुना ज्ञान, है ना, तो इसी यहाँ पे इन तीनों को कलेक्टिवली जो है वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। और अथर्ववेद हमारा जो है ये वेद त्रयी से बाहर है, और इसमें आपको पता ही है कि अथर्ववेद में हमारा भजन, जादू, मंत्र है ना, ये सब तरह की जो चीज़ें थी इसमें मेंशन थी। ठीक है, तो ज्ञान के रूप में यहाँ पे वेद त्रयी इनको कहा गया है। अगला देखिए, ऋग्वेद में जो लोग थे, ठीक है, तो इंद्र, भगवान इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन में से किसके लिए उनका आह्वान करते थे? ठीक है, तो इंद्र की स्तुति जो की जाती थी मटेरियल प्लीजर और विक्ट्रीज, है ना, भौतिक सुख एवं विजय के लिए उनका आह्वान किया जाता था। ठीक, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगला देखिए, कालसी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कालसी का स्थल जो है, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो ये हमारे मौर्यन एम्परर थे अशोक, इनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, तो इनके लिए कालसी जो है फेमस है। अब कालसी है कहाँ? तो वर्तमान जो उत्तराखंड का स्टेट है ये उसमें स्थित है, तो सी ऑप्शन जो है इसको चुनते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री कौन थे? ठीक है, तो देखिए कुल मिला के पहले ये समझिए कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं कब इंक्लूड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इनको 42nd अमेंडमेंट 1976 से एक नया भाग ऐड किया गया, कौन सा? 4A, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद एक डाला गया 51A। ठीक है, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ठीक, तो अब यही पूछा जा रहा है कि अब 1976 में उस समय लॉ मिनिस्टर जो भारत का है वो कौन रहा होगा? ठीक, तो उस समय 1971 से लेकर 77 तक लॉ मिनिस्टर थे हमारे H.R. गोखले। ठीक है, तो इतना डिटेल में खैर आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, अगर फिर भी पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है जो बताई गई है उसको ध्यान रखिएगा।
भारतीय संविधान का भाग 9 जो कि पंचायत वाला है, उन राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां की जनसंख्या किस मतलब कितने लाख से अधिक है। ठीक है, तो यहां नीचे ऑप्शंस देख लीजिए। तो देखिए, ऐसे राज्य जिनमें जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, ठीक, उनमें क्या है कि वहां पे 3 tier ऑफ जो पंचायत सिस्टम है उसको जो है प्रावधान किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला देखिए, बोहागियो बिशु निम्न में से किस राज्य का वसंत उत्सव है। ठीक है, तो देखिए बोहागियो बिशु जो है एक ट्राइब है, देओरी ट्राइब, DEORI है ना ये ट्राइब है, तो इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है ये मिड ऑफ अप्रैल का जो महीना होता है वसंत का महीना, तो इसके दौरान लगभग 7 दिनों का एक फेस्टिवल है जो कि स्टेट ऑफ मेघालय और असम है ना इन दोनों में मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सही होंगे। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन जो है सन्निहित है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है एम्बॉडीड है। तो देखिए फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 14 हमारा जो है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ यानी कि सबके लिए जो लॉ है ना वो इक्वल हो और सबको उसका प्रोटेक्शन मिले, तो ये हमारे अनुच्छेद 14 में जो है उल्लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो देखिए पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है ये सब रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे स्टेट जो लिस्ट है उसका भाग है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी हेल्पलाइन नंबर जो है राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइन नंबर है जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो नेशनल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आप इसको नोट करके रख सकते हैं, आपके लिए कभी मान लीजिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, ये 1098। ठीक है, और इसको जो रिकॉग्नाइज किसने किसके द्वारा किया गया है तो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट वाली जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, तो सी ऑप्शन को चुनते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कि गार्जियन माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो है फाइनल इंटरप्रेटर यानी कि किसी भी विवाद है किसी भी मुद्दे पे तो उसको जो है एक्सप्लेन करने वाली अथॉरिटी और उसका गार्जियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक, तो ऑप्शन बी को चुन लेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अनटचेबिलिटीज ऑफेंसेस एक्ट, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स में एक अनुच्छेद है 17, उसके अंतर्गत भी जो ये है क्या बोलते हैं अस्पृश्यता हमारी है इसको प्रोहिबिट करता है ये अनुच्छेद किसी भी फॉर्म में उसके प्रैक्टिस को, परंतु उससे संबंधित एक एक्ट भी बनाया गया है जहां पे विस्तृत प्रावधान वगैरह दिए गए हैं। ठीक, तो इसको बनाया गया था 1955 में। अगला देखिए, हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात है हमारा झारखंड के अंदर रांची में। ठीक, सुवर्ण रेखा नदी पे, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यूरोप में आप देखेंगे 3 देश हैं हमारे, ये लाटविया लिथुआनिया और इस्टोनिया, ये 3 मिलकर के बाल्टिक स्टेट्स बनाते हैं, बेलारूस जो है इसमें शामिल नहीं है। बेसिकली बाल्टिक स्टेट्स में टोटल 3 स्टेट या 3 कंट्री कह लीजिए है ही हैं। ठीक है, इनको बाल्टिक स्टेट्स क्यों कहा जाता है, जरा ये कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, SANT, ठीक है, यहाँ पे इस मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमरत है ना इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है और विकसित किया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये है कि रिसर्च सेंटर इमरत कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में आपको बताएं तो रिसर्च सेंटर इमरत के अलावा जो है इन्होंने कोलैबोरेशन इसमें रहा था जो कुछ DRDO की लैब्स हैं है ना और भी कुछ अलग इंडस्ट्रीज़ के हेल्प से इसको डेवलप किया गया है। अब SANT मिसाइल है क्या, तो इसका फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो इसको जो है अभी ऐसे समझिए कि लॉन्च किया गया था जो टेस्टिंग में, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इसको लॉन्च करके टेस्ट किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में, कहाँ पे, पोखरण रेंज जो है वहाँ पे। ठीक है, तो सक्सेसफुली ये डेवलप किया गया है इस मिसाइल को, और एंटी टैंक जो है एक तरीके की स्टैंड ऑफ मिसाइल है, तो इसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था, तो ये इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा। और एक जो इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया मेनली रिसर्च सेंटर इमरत, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म ऐसा है जो बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है
जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो और इन्वेस्टमेंट बैंकर जो हैं, इनका काम यही है कि जो है व्यक्तियों को या फिर संगठनों को कैसे पूंजी को इकट्ठा किया जाए, और उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर्स वगैरह है जो ये देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, ठीक है, तो ये ऐसे दो हमारे अभी तक के यूनियन टेरिटरीज ऐसे थे जिनमें कि विधानसभा भी है। ठीक है, तो इनको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है यानी कि निर्वाचक मंडल होता है, तो इन विधानसभाओं के सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हमारा 70th अमेंडमेंट हुआ था 1992 का, उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जैसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो है संसद के सदस्य जो हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा है वहाँ के जो विधायक यानी कि सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। और जैसे अब जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी भी बन गई है विद लेजिस्लेचर, तो जब वहाँ पे इलेक्शंस हो जाएंगे और उनके मेंबर्स चुन के आ जाएंगे, तो उसके बाद वो सदस्य भी अगले जो राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उसमें भाग ले सकेंगे, तो इस प्रावधान को भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये है हमारा स्टेट ऑफ मिजोरम में। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए, कम से कम जो है हरियाणा के तो पढ़ ही लीजिएगा। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कई कानून निम्न में से किनमें जो संबंधित धारा है या अनुच्छेद हैं उनमें निहित हैं। ठीक है, तो देखिए एक डिस्टिंक्शन थोड़ा समझ लीजिए, धारा और अनुच्छेद में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो जैसे अनुच्छेद जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में यूज़ होता है, और जो धाराएं होती हैं वो जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी या फिर कोई जो एक्ट होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। ठीक, तो अब देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसे नियम जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा किसी भी जो है पावर का मिसयूज़ ना हो, तो उसके लिए ऐसे प्रावधानों को कहाँ डाला गया है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाला गया है ना, कि हमारे जो नागरिक हैं उनके कुछ मौलिक अधिकार होंगे। ठीक है, जिसके कारण सत्ता का दुरुपयोग या पावर का मिसयूज़ पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए मौलिक अधिकार वाला जो उत्तर है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे इसको चुनेंगे हम। अगला देखिए, बोधगया जो है एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? ठीक है, कभी काफ़ी सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं या और भी लोग जो हैं बोधगया की यात्रा वगैरह भी करते हैं, तो इस वजह से चर्चा में रहता है। तो बोधगया जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस वजह से ये स्थल जो है चर्चा में रहता है या इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है सिरोही या फिर उसको शिरोही के नाम से भी कहा पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो शिरोही जो है ये है मणिपुर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? ठीक है, तो जो प्रशासनिक सर्विसेज हैं उनसे संबंधित मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, जिसकी भारत में अलग अलग स्थानों पर बेंचेस भी हैं, तो इनके जो कैट के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला देखिए, विश्व की आधे से अधिक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन जो है निम्न में से किससे प्राप्त होती है? ठीक है, तो पृथ्वी पर हम देखेंगे तो जो ब्रीदेबल ऑक्सीजन है ना पूरे वर्ल्ड की, ये कहाँ से सबसे ज़्यादा आती है? तो 50% से ज़्यादा, 50 से करीब 80% के बीच में जो ब्रीदेबल ऑक्सीजन है ये आती है हमारा, क्योंकि देखिए पूरे अर्थ पे क्या है, मोर देन जो 75% के आसपास हमारा क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वाटर है यानी कि ओशंस हैं, तो ओशन में जो हमारा ओशनिक प्लैंकटन्स होते हैं जैसे एल्गी है ना, और बैक्टीरिया, फिर जो और भी तरीके के प्लांट्स होते हैं, कोरल्स वगैरह हो गए। ठीक, तो यहाँ पे इनमें जो पाई जाने वाली वेजिटेशन है उनके द्वारा जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है उसके द्वारा उत्सर्जित जो ऑक्सीजन है, तो वो सबसे बड़ा स्रोत है ब्रीदेबल ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक, तो यहाँ से हम जो है ओशन वाला यानी कि महासागर का ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए वन से, ठीक है, परंतु वन का क्षेत्र बहुत ही जो है इसके आगे सामने तो बहुत ही कम है। ठीक, तो इसलिए ओशन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत के किस राज्य में एशियाई हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो एशियाटिक एलिफेंट्स जो हैं, अगर देखेंगे ओवरऑल भी भारत में सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या जो हमारी है वो स्टेट ऑफ कर्नाटक में है। ठीक, अगला देखिए, कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी? ठीक है, तो एक स्कीम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, कला संस्कृति विकास योजना। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक है, कोरल रीफ्स जो पाई जाती हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं भारत के, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, और गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे हमें कोरल रीफ्स मिलेंगी। गल्फ ऑफ कैम्बे जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे टाइड्स वाइड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे इसको हम ऑड में चूज़ करेंगे। बाकी के जो तीन स्थल हैं यहाँ पे कोरल रीफ्स की अवेलेबिलिटी होती है। अगला देखिए, लाइकेन जो है निम्न में से किससे बने होते हैं? ठीक है, तो लाइकेन बेसिकली बनता है किससे? फंगस और एल्गी से मिल करके। ठीक है, फंगस प्लस एल्गी इक्वल्स टू लाइकेन। ठीक, अब ये आपको बताना है कि लाइकेन्स जो हैं किस तरह के पोल्यूशन के सबसे बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। अगला देखिए कि लेक्सिकोग्राफी निम्न में से किससे या किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो जैसे लेक्सिकोग्राफी बेसिकली होता क्या है कि जो डिक्शनरी होती है ना जिसमें हम वर्ड्स ढूंढते हैं, ठीक है, तो शब्दकोश का संकलन यानी कि कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी जो है उसको हम जानते हैं लेक्सिकोग्राफी के नाम से। महात्मा गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश संसद के जो कह लीजिए बारे में ये कथन कहा गया था बांझ और वेश्या का गांधी जी के द्वारा, इनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज इसमें। ठीक है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया? ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति जब होती है तो उसके बाद जो है 1857 का जो यहाँ पे एक्ट बनाया जाता है तो उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में रूल कर रही थी उसके सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर दिए गए? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, तो अब जो शासनकर्ता हो गया भारत का वो ब्रिटिश क्राउन हो गया था, तो एक्ट ऑफ 1858 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कुछ एक्टिव वॉल्केनो होते हैं, कुछ डॉर्मेंट यानी कि निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव टाइप का वॉल्केनो है मौना लोआ जो कि स्थित है हवाईयन आइलैंड में। ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कुछ पेयर्स लिखे हैं और कुछ ट्राइब्स लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हमको चुनना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मसाई ट्राइब के बारे में यहाँ लिखा है कि ये वेस्ट अफ्रीका यानी कि पश्चिमी अफ्रीका की प्रजाति है, तो ये गलत है। स्पेशली मसाई ट्राइब जो होते हैं ये पाए जाते हैं कहाँ पे? जो केन्या का साउदर्न पार्ट है, सेंट्रल और साउदर्न पार्ट, तंजानिया की जो कंट्री है यहाँ पे मेनली ये पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में ये किधर है? ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये कंट्रीज पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी के सब जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, तो बी जो है इस प्रश्न का उत्तर है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।